अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा चूज़ा माशाल्लाह तीसरे दिन का चूज़ा हो गया है। ये काफ़ी इस वक्त माशाल्लाह एक्टिव है। अभी तक जो मोर्टेलिटी है वो 5 बर्ड्स की है, जो कि एन्फ्लाइटिस केस था। उसमें शुरू में इतने बर्ड्स तकरीबन कोई 0.5 to 1% तक एन्फ्लाइटिस के केस निकलते हैं। तो ये माशाल्लाह अभी फ़िलहाल ये मेरा 4th डे है और माशाल्लाह चूज़ा इस वक्त, इसके हमने जो फर्स्ट डे पे वैक्सीनेशन की थी वो NDIB की थी। बाकी मैं ये करता हूँ कि पहले 3 दिन जो है, 3 से 4 दिन बल्कि, इनको अमॉक्सिस्टिन, जो क्लिस्टीन सल्फेट जिसको बोलते हैं, वो 8 घंटे वो देते हैं। इसके बाद फिर मेडिकेशन में इसको पहले 3 से 4 दिन विटामिन मिनरल जो है, कोई भी अच्छा सा प्रीमिक्स, किसी अच्छी कंपनी का, वो हम इसको देते हैं। इसके बाद फिर हम इसको, आजकल वो सी सिरप है, वो भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, वो हम इसको देते हैं 3 दिन के लिए, ताकि चूज़ा जो है, अगर शुरू में इसकी केयर अच्छी होगी, वेट अच्छा होगा, ये आपको नेक्स्ट आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा चूज़ा। और अभी तक हमने इसके फ़ैन चलाए नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमने इसका टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, और इस पर चूज़ा माशाल्लाह कम्फर्टेबल है, मुँह भी नहीं खोल रहा है। अगर चूज़ा मुँह खोले, इट मीन्स कि वो, उसको गर्मी फील हो रही है, उसको कम अज़ कम वेंटिलेशन का इशू है। इस वक्त माशाल्लाह चूज़ा जो है वो मुंह नहीं खोल रहा और इस अच्छा परफॉर्म कर रहा है चूज़ा। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो वाटर लाइन है वो कम अज़ कम चूज़े को ना तो ज़्यादा ऊपर हो और ज़्यादा नीचे हो, कि उसको गर्दन मोड़नी पड़े या ज़्यादा गर्दन उठानी पड़े। ये बेस्ट जो है इसकी हाइट वो ये वाली है पानी पीने के लिए। ये देख लीजिए, ड्रिंकर की हाइट इतनी होनी चाहिए। इससे यह है कि आपका जो ब्रेस्ट मीट है इसका, चिकन का, वो अच्छा बनता है। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देंगे वो उसकी रेंज से निकल जाएगा, वो सही पिएगा नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा नीचा करेंगे, इसको गर्दन मोड़ के पीनी पड़ेगी, तो वो भी वो चूज़े के लिए ठीक नहीं। तो लिहाजा इसको आपने सीधा इस तरह ऑलमोस्ट, आई थिंक ये बनेगा। ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेज हैं जिनका हमने ख्याल करना होता है। अब फ़िलहाल मैं इसको लीटर जो है वो पुलवराइज नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर 1 वीक वी विल स्टार्ट टू पुलवराइज द लीटर, क्योंकि उसके बाद ज़रूरी हो जाता है, गैसेस वगैरह होती हैं इसके अंदर, अगर वो हम पुलवराइज नहीं करेंगे लीटर को, अगर इसको लीटर को मिक्स नहीं करेंगे, तो इससे गैसेज, अमोनिया वगैरह प्रोड्यूस होगा, जो कि चूज़े के लिए, बर्ड के लिए नुकसानदेह है। अभी फ़िलहाल हमारा ये है कि हमने जो फ़ैन है वो हमने टाइमर पे लगाया हुआ है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि इसकी ऑक्सीजन के लिए, इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने वो फ़ैन को ऑटोमेशन पे करके, तो वो खुद चल पड़ता है। और ज़्यादा देर के लिए फ़ैन नहीं चलाना, क्योंकि अभी इसको फ़िलहाल जो टेम्परेचर की जो ज़रूरत है वो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है इस वक्त इसको। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करेंगे चूज़ा इकट्ठा होगा, तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल करना है। बाकी अब इसके माशाल्लाह चूज़े के, अब हमने 9वें या 10वें दिन पे हमने इसकी गंबोरों की वैक्सीन करनी है, और इसका 7 दिन के बाद हमने 100% चूज़े का हम वज़न करते हैं, क्योंकि ये ट्रायल का चूज़ा है, चूज़े की क्वांटिटी भी कम है, तो हम लिहाजा, और वर्कर्स भी इधर अवेलेबल होते हैं, तो लिहाजा हम इसका पूरा 100% हम इसका वज़न करते हैं, हर एक पेन का अलहदा, क्योंकि हमारे पास हर एक पेन में एक डिफरेंट फीड चल रही है, एक डिफरेंट ट्रायल चल रहा है। लिहाजा उससे हमने पूरा इसका रिकॉर्ड, जो लाइफ परफॉर्मेंस में जो चीज़ें आती हैं, लाइक FCR हो गया, वेट गेन हो गया, फीड इनटेक हो गया, लिविबिलिटी होगी इसकी, ये चीज़ें हम इसकी वो परफॉर्मेंस अपनी फीड की चेक करते हैं इस चूज़े के ऊपर। ये टोटल हमारे पास 1200 चूज़ा आता है ट्रायल का। ये एक और मोर्टिलिटी हुई है, ये बंदा इनकार है, ये हमारा सुपरवाइज़र है इस फार्म का, ये भी इसको हम खोलेंगे, देखेंगे कि इसको क्या हुआ है। ये आई थिंक ये भी एन्फ्लाइटिस का ही केस लग रहा है मुझको। बाकी इसके मज़ीद जब हम इसको खोलेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, फिर अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या है। ये हमारे पास मोर्टिलिटी शीट है इसकी, हम इधर लिखते हैं हर एक पेन का कि वो क्या वजह है, क्या रीज़न है, क्यों ये हमारा, यानी कि चूज़े की क्वांटिटी भी हमारे पास गिनती आ जाती है कि मसल इसमें 102 था, अगर एक मर गया तो इसको माइनस करेंगे, वो 101 रह जाएगा। बाकी इधर हमारे पास इसमें रिमार्क्स में लिखेंगे पोस्टमार्टम के बाद कि इसके फाइंडिंग्स क्या थी, किस वजह से मारा, क्या इशू था इसको। ये हमारा ऑटोमेटिक फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन चल गया इस वक्त,
फ़ैन चल रहा है, इसको हमने कुछ सेकंड्स के ऊपर लगाया ताकि फ्रेश एयर अंदर आए और जो गर्म हवा है, जो अंदर जो हवा ठहरी हुई है, गैसेस वगैरह जो है वो निकल जाएँ। इतने देर में ये चूज़ा हमारा फ्रेश हो जाता है। अभी चूज़ा छोटा है क्योंकि इसको अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है इसकी वो पूरी हो जाती है। और माशाल्लाह चूज़े ने मुँह नहीं खोला हुआ, पेंटिंग नहीं कर रहा चूज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चूज़ा काफ़ी एक्टिव है और खुश है चूज़ा। ये वो माइनस कर रहा है, जो मोर्टेलिटी हुई है वो लिख रहा है बंदा। बाकी इसकी जो मेडिकेशन है, जो पहले 3 से 4 दिन हम इसको चलाते हैं, आजकल हम इसकी फ्लशिंग, मैंने जितने भी फ्लॉक डाले हैं, मैं ये मेरा ऑलमोस्ट 25वां जो है ये ऑन रिकॉर्ड जो है मेरा वो ये ट्रायल है, और अभी तक मैंने ये 25 के 25 ट्रायल में से किसी की भी फ्लशिंग मैंने नहीं की आजकल, क्योंकि ये अक्सर लोग कहते हैं कि पहले दिन इसकी फ्लशिंग करनी चाहिए या इसकी 3 से 4 दिन के बाद फ्लशिंग। मैंने आज तक अपने फ्लॉक की फ्लशिंग नहीं की है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट वीक में हम इसकी जो प्रैक्टिसेस करते हैं, जो हम क्या क्या करते हैं, वो नेक्स्ट वीक में आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ये अभी मैंने आपको चूज़े का दिखाना था कि इस वक्त चूज़े की कंडीशन क्या है। बाकी जो मैंने आपको मेडिकेशन बता दी कि पहले 3 से 4 दिन हम इसको एक वो क्लिस्टीन सल्फेट चलाते हैं, अमाइनो एसिड मिनरल जो है वो एक अच्छा सा मिक्सचर किसी भी को अच्छी कंपनी का वो ले लें लिक्विड में, वो पानी में मिक्स, यानी कि और पानी की कैलकुलेशन करनी है आपने अकॉर्डिंग टू बर्ड। ये आजकल गूगल पे अवेलेबल है, चार्ट पूरा अवेलेबल होता है कि आपको मतलब पहले दिन चूज़ा कितना पानी पिएगा, दूसरा दिन कितना पिएगा, तीसरा दिन कितना पिएगा। तो आपने इसको यानी कि अगर 8 घंटे देना है तो उसके मुताबिक उसका पानी और मेडिकेशन की जो डोज है वो कैलकुलेट करके डालनी होती है। बहुत शुक्रिया जी। अभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक शो इसका वज़न होगा 1 हफ्ते के बाद 7 दिन पूरे होंगे, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके बाद फिर इसको मज़ीद जो हम नेक्स्ट वीक में जो प्रैक्टिसेस वगैरह होंगी वो मैं इसमें आपको बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।